वेलकम SSC IQ यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, अच्छे नहीं होंगे तो अच्छे हो जाइए। क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है, आप देखिए क्वेश्चन, टेस्ट दीजिए, आंसर कमेंट में कीजिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। आज है रीजनिंग टेस्ट, इसमें 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 24 आवर्स का टाइम रहेगा। कमेंट आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, यूट्यूब के सबसे बॉटम में जब जाएंगे ना आप, वहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहाँ आप कमेंट कीजिए और किसी एक टीम का कोड का यूज़ ज़रूर करें। AV लिखिए, GS लिखिए, TA लिखिए, BT लिखिए, कोई भी एक टीम कोड ज़रूर लिखिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं कैसा है, क्या है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं, उसके बारे में भी बताता हूँ मैं। आइए नेक्स्ट, यहाँ देखिए मैंने चैप्टर जो कवर किए हैं अभी वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बारी जो जो चैप्टर से क्वेश्चन दे रखे हैं अभी। अभी देखिए पहला क्वेश्चन, पहला जो चैप्टर है अल्फ़ाबेट है, दूसरा चैप्टर है एनालॉजी और सिमिलरिटी, तीसरा चैप्टर है क्लासिफिकेशन, चौथा है कोडिंग डिकोडिंग, पाँचवा है ब्लड रिलेशनशिप, छठा है सिंबल एंड नोटेशंस, सेवन नंबर है डायरेक्शन। अब इन चैप्टर्स से क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए चलते हैं देखते हैं कैसे हैं क्वेश्चन, किस तरह से हैं, आपके कितने लेवल के हैं, बेनिफिशियल हैं कि नहीं है, वो आपको टेस्ट देने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ देखिए यहाँ है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है विच वन वर्ड कैन बी मेड बाई ब्लैंडिशमेंट, BLANDISHMENT, ब्लैंडिशमेंट से कौन सा इसमें का वर्ड बन सकता है? चार ऑप्शन है, चार तरह के वर्ड हैं, बोर्ड है, मेटल है, शेप है, क्रैश है। अब इनमें से आप मैच करिए, इस जो वर्ड है जो दिया हुआ है इनमें से मैच कीजिए कि इससे आप इन लेटर्स का यूज करके आप इसको इस वर्ड को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द फॉलोइंग 5 वर्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर और एज पर डिक्शनरी, विच ऑफ देम विल कम एट 4th प्लेस। इस क्वेश्चन में दिया गया है तो ये 5 शब्द दिए हैं ना, ABCD ऑप्शन में हारमोनिक है, हारमोनी है, हरन है, हरमेस है, हारपून है, इनमें से कौन सा वर्ड डिक्शनरी के अनुसार अगर हम अरेंज करें तो 4th नंबर पे आएगा। अब डिक्शनरी का मतलब ये कि जैसे ABCD होता है उसके अकॉर्डिंग ही सेट करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपको जैसे सेट कर सकते सेट कीजिए, वैसे असेंडिंग ऑर्डर में ही सेट करते हैं बढ़ते हुए क्रम में, तो उसमें आप सेट करके उसको पहले लिख लीजिए, लिख के आप इसमें से क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द रिलेटेड वर्ड लेटर्स नंबर टू कंप्लीट द एनालॉजी। इसमें एक लॉजिक दिया हुआ है, किसी का रिलेशन मतलब किस एनालॉजी है कि हाउस, रेंट, कैपिटल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो हाउस का रेंट से जो रिलेशन है कैपिटल का किससे होगा, वो चार ऑप्शन में से एक आपको चूज करना है। ए ऑप्शन है इंटरेस्ट, बी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट, सी ऑप्शन है कंट्री, डी ऑप्शन है मनी। इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है, उसे आप कमेंट बॉक्स में विद टीम कोड आंसर ज़रूर कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड सुटेबल नंबर, सुटेबल नंबर फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे, 18, 1830, 36 और क्वेश्चन मार्क, अब 18, 30 और 36 जो दिया है, इसके बाद एक चौथा जो नंबर फाइंड करना है उसका, इससे क्या लॉजिक बैठ के फर्स्ट वाले दोनों में क्या लॉजिक है, वही सेकंड वाले में अप्लाई करके उस आंसर को फाइंड करना है। यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, ए 64, बी 66, सी 54, डी 60, इसमें से एक करेक्ट है, उसको देखिए फाइंड कीजिए, जो ना समझ में आए उसे आप बिल्कुल बिंदास क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें कि मुझे नहीं समझ में आया, बता दीजिए, हम ज़रूर बताएंगे आपको उसको विथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से बताएंगे, और अगर आपकी ज़्यादा रिकमेंडेशन होगी तो हम वीडियो बना के बताएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द अमंग द गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन इन विच द सेट ऑफ नंबर्स इज मोस्ट लाइक द सेट ऑफ नंबर्स गिवन इन द क्वेश्चन। गिवन सेट है, इसमें से बोल रहा है एक सेट दिया हुआ है, 6
3663 का। अब इन सेट में एक आपस में रिलेशन है, वही रिलेशन का हमें नंबर इस चार ऑप्शन में से फाइंड करना है। ए ऑप्शन है 74998, बी ऑप्शन है 86446, सी ऑप्शन है 98445, डी ऑप्शन है 111134। अब इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा जो दिए गए सेट 63663 से पूरा फुल टू फुल मैच करता होगा। तो आपको फाइंड करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ऑड मैन आउट। ये चार ऑप्शन है, इनमें से तीन में सिमिलरिटी होगी, एक में सिमिलरिटी नहीं होगी, वो थोड़ा सा अलग होगा इन सब में। तो उस ऑप्शन को आपको फाइंड करना है, वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें जो ऑड होगा, जो मैच नहीं करता। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, स्काई स्टार्स, बी ऑप्शन है मून प्लैनेट्स, सी ऑप्शन है स्टेडियम प्लेयर्स, डी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। इनमें से एक ऑप्शन सही है, ऑड है, उसे फाइंड कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इन ए सर्टेन लैंग्वेज बटर इज कोडेड एज CVWFS, ब्रेड इज कोडेड एज CSFBE, देन हाउ कॉफी इज कोडेड। इसमें दिया है कि बटर को एक कोड भाषा में CVUFS लिखा जाता है, ब्रेड को CSFBE लिखा जाता है, तो कॉफ़ी के लिए इस कोड का, इस तरह के लॉजिक का कोड का यूज़ करके ब्रेड कॉफ़ी के लिए हमारा कोड क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन है, ए है DPGGFF, बी ऑप्शन है GGDPFF, सी ऑप्शन है GDPGFF, डी ऑप्शन है FFDPGG। चारों में से एक करेक्ट है, आपको उसको फाइंड करना है और कमेंट आंसर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लड रिलेशन का है। ई इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई। ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का बेटा है, तो आपको रिलेशन फाइंड करना है ए और ई के बीच में। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए ई से किस तरह से संबंधित है, या ए का ई से क्या संबंध है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ग्रैंड फादर, बी ग्रैंड डॉटर, सी फादर, डी ग्रैंड फादर। अब इनमें से एक करेक्ट है, उसे चूज किए फाइंड कीजिए और आंसर कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इफ प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, एंड प्लस एंड डिवीजन सिंबल स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, व्हाट वुड द फॉलोइंग इक्वेशन स्टैंड फॉर। इसमें से क्या किया है कि प्लस की जगह आपको गुणे का यूज करना है, गुणे की जगह भागे का यूज करना है, माइनस की जगह प्लस का यूज करना है, और भागा की जगह माइनस का यूज करके ये जो नीचे इक्वेशन दिया हुआ है उसके मेन वैल्यू को फाइंड करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 41, बी 19, सी 16, डी 18। इनमें से एक करेक्ट है, आप उसे फाइंड कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, शीला वॉक्स फ्रॉम ए टू बी विच इज 2 किलोमीटर अवे, टर्न्स राइट एट 90 degree एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर टू पॉइंट सी, टर्न्स राइट एट 90 degree एंड वॉक्स टू डी विच इज 8 किलोमीटर अवे, टर्न्स 90 degree राइट एंड गोज 3 किलोमीटर टू पॉइंट के, देन वंस अगेन सी टर्न्स राइट 90 degree एंड वॉक्स 4 किलोमीटर टू पॉइंट एफ, हाउ फॉर इज इट फ्रॉम ए टू एफ। शीला वॉक्स फ्रॉम ए टू बी विच इज 2 किलोमीटर, शीला ए से बी तक की दूरी जो 2 किलोमीटर है चल के तय करती है, उसके बाद टर्न्स राइट एट 90 degree, वह दाएं मुड़ जाती है 90 degree पे, एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर, और फिर 3 किलोमीटर चलती है पॉइंट सी की तरफ, उसके बाद फिर राइट मुड़ती है 90 degree और फिर चलती है पॉइंट डी की तरफ, जो वहाँ से 8 किलोमीटर दूर है।
ठीक है। उसके बाद फिर टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड गोज 3 किलोमीटर, फिर 90 डिग्री मुड़ती है दाएं की तरफ और फिर 3 किलोमीटर चलती है पॉइंट के की तरफ। देन वंस अगेन सी टर्न्स राइट, फिर से दोबारा वो दाएं मुड़ती है 90 डिग्री एंड वॉक 4 किलोमीटर टू पॉइंट एफ और 4 किलोमीटर चलती है पॉइंट एफ की तरफ। अब हमें बताना है हाउ फार इज इट फ्रॉम ए टू एफ, वह ए से एफ तक कितनी दूरी पे है, हाउ मतलब ए और बी एफ के बीच की दूरी कितनी है, उसे आपको फाइंड करके आंसर करना है। चार ऑप्शन है, ए है 2 किलोमीटर, बी है 4 किलोमीटर, सी है 6 किलोमीटर, डी है 8 किलोमीटर। एक ऑप्शन सही है, करेक्ट है, उसे आप चूज कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, ट्रांसलेट भी कर दिए हैं, इंग्लिश में भी है, आपको जैसे समझ में आए वैसे इसको सॉल्व कीजिए और आंसर को विथ टीम कोड कमेंट कीजिए। सारे आंसर एक जगह कमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को भी बताएं कि यहाँ पे टेस्ट होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहें कंटिन्यू। धन्यवाद।